नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको हेयर फॉलिंग का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। किस प्रकार से आपके बाल अगर गिर रहे हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, गिरने से रोक सकते हैं। कई बार जब बाल गिरने शुरू होते हैं तो गुच्छे के रूप में भी गिरने लगते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में गिर रहे हैं तो फिर इनको किस तरह से रोका जाए। और वर्तमान जो आधुनिक रहन सहन है उसमें यह समस्या ज़्यादा आने लगी है आधुनिक खान पान के कारण। तो यहाँ पर हम यह भी बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं, रुक जाते हैं, फिर गिरने लगते हैं जल्दी जल्दी, ऐसे लोगों को चाहिए वो अपने खान पान में सुधार करें, बाज़ार की चीज़ें फास्ट फूड जंक फूड ना खाएं और हरी सब्जियों पत्तेदार सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान दें या ऐसे पदार्थ जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है उनका सेवन करें। सफ़ेद रंग की दिखाई देने वाली चीज़ें जैसे केला हुआ, दूध, पनीर, इस तरह की चीज़ें जिनका रंग सफ़ेद है उनका सेवन करें जिससे कैल्शियम की आपूर्ति हो जाए। और यहाँ पर जो हम आपको बिंदु बताने जा रहे हैं, एक्यूप्रेशर बिंदु, जिसके माध्यम से आप बालों का गिरना रोकेंगे, वह हम आपको सुजोक ब्योल मेरिडियन पर बताने जा रहे हैं। यहाँ हमारी मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की साइड दूसरी जॉइंट लाइन पर कॉर्नर पे पॉइंट आएगा, यह यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है और यह है UB54। ये यहाँ पर है, इसे हम पहले एक्टिव करेंगे। इस तरह से प्रेशर देंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, 5-7 बार इस पर प्रेशर देके इसे एक्टिव करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्योल मैग्नेट से टोनिफिकेशन करेंगे। ब्योल मैग्नेट इस पर वाइट विजिबल रहेगा, इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये हुआ UB54 टोनिफिकेशन। इसी तरह से इसे दूसरे हाथ में भी करेंगे जिससे ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हों। इसी तरह से पहले हम इसको स्टिमुलेट करेंगे और उसके बाद हम फिर इसको ब्योल मैग्नेट से टोनिफिकेशन करेंगे। इसको हमें रोज़ लगाना चाहिए, एक ही बिंदु हमने आपको यहाँ पर बताया है, और कम से कम 8 घंटे इसको रोज़ लगाएं जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। UB54 टोनिफिकेशन लेफ्ट राइट इस तरह से लगाया जाएगा तो बहुत अच्छे परिणाम देने वाला बिंदु है और निश्चित रूप से जब आप इसको रोज़ लगाएंगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। मुझे आशा है कि यह ट्रीटमेंट आपको आसान लगा होगा, इसे आप ज़रूर उपयोग में लाएंगे और जो लाभ आपको मिलेंगे उनसे दूसरे लोगों को भी अवगत कराएंगे। अपने कमेंट यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें जिससे दूसरे लोग भी इसे उपयोग में ला सकें और जनहित में इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, कोई इंजेक्शन नहीं लेना पड़ रहा है। इस तरह की चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।